हेलो एवरीवन, आज हम वीएमसी मशीन में देखेंगे वर्टिकल मिलिंग सेंटर में कि वाइस डायलिंग कैसे करते हैं। पहले कंसेप्ट समझते हैं वाइस डायलिंग की नीड क्यों पड़ती है। जो वीएमसी वर्क करती है वो 90 एंगल पे वर्क करती है। वीएमसी मतलब वर्टिकल मिलिंग सेंटर या वर्टिकल मशीनिंग सेंटर बोल सकते हो, 90 डिग्री पे वर्क कर रही है। मतलब सारे फेस, जो भी वर्क पीस रखा हुआ है, वो आपस में एक दूसरे के 90 होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब चाहे हम वर्कपीस डायरेक्ट बेड पे रख लें मशीन के, चाहे हम किसी वाइस में पकड़ लें, किसी एंगल प्लेट में पकड़ लें, किसी स्पेशल फिक्स्चर में पीस को पकड़ लें, जो हम मटेरियल कटिंग कर रहे हैं, मटेरियल रिमूव कर रहे हैं, उसके लिए हमें वर्कपीस को होल्ड करना पड़ेगा। ये हमने क्लैंप लगा रखे हैं यहाँ पे, ये क्लैंप होते हैं जो टी नट नट और स्टड की हेल्प से इसको क्लैंप करके रखते हैं, वर्कपीस को पकड़ के रखते हैं। डायरेक्ट पीस रखेंगे, जैसे अभी ये वर्कपीस क्या है, ये वाइस क्या है, वर्कपीस ही एक तरीके से मटेरियल ही है हमारा, इसको मैंने क्लैंप कर रखा, डायरेक्ट पकड़ा हुआ। अगर मेरे को डायरेक्ट पीस को पकड़ना है तो डायरेक्ट पकड़ लूंगा, वाइस को पकड़ना है तो वाइस पकड़ लूंगा, वाइस के अंदर मैं वर्कपीस पकड़ूंगा। ठीक है, कोई अगर जैसे मैंने चक लगा दिया, थ्री जॉ चक में कोई राउंड पार्ट पकड़ना है, उसको क्लैंप करूंगा, फिर उसके अंदर वर्कपीस को क्लैंप करूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है, जो भी, चाहे हम डायरेक्ट पीस पकड़े, चाहे वाइस पकड़े, चाहे चक पकड़े, वो हमारा सीधा होना चाहिए, हमारा टेपर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल बनाया है, अगर ये मेरी टूल की एक्सिस है, ये टूल है, ये जब यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा, ये वर्कपीस जब मेरा सीधा होगा, राइट एंगल होगा बिल्कुल, तो वो सीधा काटेगा यहाँ पे। अगर मैं इसको आउटसाइड से ऐसे काटता हूँ, यहाँ से यहाँ टूल ट्रेवल करेगा, वो सीधा काटेगा, क्योंकि टूल तो अपनी एक्सिस में चल रहा है ना, सीधा सीधा टूल तो अपना स्पिंडल सीधा सीधा चल रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा, वो एक ही एक्सिस में वर्क कर रहा है। मतलब टूल वही फिक्स है, जो बेड है वो मूवमेंट कर रहा है, वो एक एक्सिस में मूवमेंट कर रहा है। जब टूल ट्रैवल करेगा यहाँ से यहाँ, ये पीस यहाँ पे स्ट्रेट है, मतलब सीधा है बिल्कुल, तो वो सीधा कट करेगा, मतलब जितना यहाँ काटेगा उतना ही यहाँ काटेगा। अगर पीस में पीछे से टेपर है, मतलब पहले से ही टेपर यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, तो वो इक्वल कर देगा उसको काट के। अगर मैंने पीस ही उसको टेढ़ा रखा, अलाइन रखा, किसी एंगल पे रखा, तो वो इधर कम काटेगा, इधर ज्यादा काटेगा। देख रहे हो, यहाँ पे गैप है और यहाँ पे गैप कम है, यहाँ कम काटेगा और यहाँ ज्यादा कट कर देगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले, चाहे वर्कपीस रखो, चाहे कोई वाइस रखो, ये वाइस जो है, ये सारे फेस 90 डिग्री है आपस में, जो वाइस है वो 90 डिग्री है सारे फेस। अब वाइस अगर सीधी होगी तो वर्कपीस भी ऑटोमेटिक सीधा रहेगा, जहां से एक्स्ट्रा होगा वो कट के बराबर हो जाएगा। वर्कपीस डायरेक्ट बेड पे रखूंगा तो वर्कपीस भी मेरा सीधा ही रखना है हमें सबसे पहले। उसके लिए हम यूज करते हैं डायलिंग। क्या प्रोसेस यूज करते हैं? डायलिंग। तो वाइस डायलिंग करूंगा मैं यहां से, मतलब ये जब मैंने बोला वाइस सारे फेस 90 डिग्री है आपस में, कि इस फेस को सीधा कर दूंगा तो सारे फेस सीधे हो जाएंगे, इस फेस को सीधा कर दूंगा सारे फेस सीधे हो जाएंगे। अब जब मैंने ये वाइस रखी, अभी क्लैंप पूरे टाइट नहीं करे, लूज है, तो ये मेरे को करेक्ट थोड़ी है कि मैंने सही रखी है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट रखी है। ये टेपर है, थोड़ी सी टेपर भी हो सकती है, कैसे भी रख दिया मैंने, तो इसको चेक करूंगा मैं, इसका जो वेरिएशन है वो किससे चेक करूंगा? डायलिंग से। उसको बोलते हैं हम पप्पी डायल। क्या बोलते हैं इंडस्ट्री की लैंग्वेज में? ये होता है डायल, इसको बोलते हैं पप्पी डायल, या आप अगर टेक्निकल लैंग्वेज में देखोगे तो डीटीआई बोलते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है 0.01 mm, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.01 mm, मतलब जो इसकी डिविजन्स है 0, 1, 2, 3, उसके बीच में गैप कितना है? 10 माइक्रोन का। कितना गैप है? 10 माइक्रोन। 0 से लेकर 10 तक कितनी लाइंस आ रही है, कितनी डिवीजन आ रही है? 10। तो हर किसी का गैप हो गया 10 माइक्रोन, तो 0 से 10 तक कितना हो गया? 0.1 mm। मतलब ये इस 0 से इस 10 तक चलेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 0.1 mm। इस 0 से यहां तक 10 तक चलेगा, 0.1 कवर करेगा। इस 0 से अगली डिवीजन का गैप होता है 10 माइक्रोन। क्लियर है? अभी हम क्या करेंगे, इस डायल को यहां पे फिक्स करेंगे इसके साथ स्पिंडल पे। ये डायल फिक्स हो गया। एक्सिस का आपको पता ही है, तीन एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड। हम बेसिक क्लास नहीं कर रहे एक्स वाई जेड क्या है, मशीन कैसे चलती है, हम क्या कर रहे हैं वाइस डायलिंग कैसे करनी है। तो ये हैंड व्हील होता है एमपीजी, मैनुअल पल्स जनरेटर, इसके पीछे भी लिखा होता है मैनुअल पल्स जनरेटर, यहाँ थोड़ा सा मिट गया। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, वेरिएशन चेक करेंगे। इसको मैं पहले नीचे लेके आऊंगा, इसको मैंने -2 पे कर दिया, मतलब यहाँ 20 पे कर दिया, मतलब 0.1, 0.2। क्यों करा ये अभी मैं बताता हूं। इस एज पे ले आया मैं इसको,
और यहाँ पे वाई में ट्रेवल करा के 0.2 का प्रेशर दे दिया। जब तक डायल पे प्रेशर नहीं होगा, डायल टच ही नहीं होगा, तो मैं दूसरी साइड का वेरिएशन कैसे चेक कर पाऊंगा। तो यहाँ पे अभी देखो ये फ्री है, ये पिन जो है वो फ्री है। जब इसमें प्रेशर लगेगा तो ये सुई आगे को चलेगी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, क्लियर है। अभी ये फ्री है तो मैंने इसको क्या करा, यहाँ पे प्रेशर दिया 0.2 का। मैंने बोला ना 0 से 10 तक 0.1 है और फिर 20 तक 0.2 और 30 तक 0.3। तो यहाँ पे प्रेशर दिया कितने का, 0.2 का। इसको यहाँ टच करा, 0.1 का प्रेशर, 0.2 का प्रेशर, 0.2 का प्रेशर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी साइड इसको ट्रैवल करूंगा इस तरफ ले जाके। देखो सुई बढ़ रही है आगे की तरफ, क्यों बढ़ रही है, मतलब उस तरफ से फेस जो है वो उसमें टच हो रहा है ज्यादा, उधर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, मतलब हमारी जो वाइस है वो ऐसे टेपर कर रही है, मतलब जो ये सरफेस है वो उस तरफ से आगे की तरफ ज्यादा, और जहां से मैंने पिन स्टार्ट करी है वहां से पीछे है, जहां उधर ज्यादा बढ़ रही है। तो मैं क्या करूंगा, उधर से इधर का वेरिएशन चेक करूंगा। फिर मैं इधर ले आया, अब इस पॉइंट से चेक करता हूं, यहां दे दिया 0.2 का प्रेशर, ऐसे था फ्री, आगे जीरो पे। अब मैं इधर ट्रैवल कर रहा हूं, देखो यहां डाउन हो रहा है क्योंकि यहां प्रेशर ही नहीं लगा, उस तरफ से वाइस ज्यादा, उधर सरकी पड़ी है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, इधर ही चेक, ये मैंने उधर से इसलिए करा ताकि आपको वेरिएशन समझ में आ जाए। इधर 0.2 का प्रेशर दे दिया, उस तरफ चला के ले गया, ये प्रेशर बढ़ रहा है, 0.1 बढ़ गया, 0.2 बढ़ गया, 0.3 बढ़ गया, 0.4 बढ़ गया, मतलब ज्यादा सरकी पड़ी है उधर। तो क्या करूंगा, इधर से हिट करके इसको थोड़ा सा उधर शिफ्ट करूंगा। हिट किससे करना है, किसी सॉफ्ट मटेरियल से, एल्युमिनियम से कर सकते हो, या आपके पास मैलेट हैमर होगा इंडस्ट्री में रबड़ वाला, जिससे यहाँ पे डेंट ना पड़े आपकी वाइस पे, ठीक है। तो यहाँ से मैलेट, मैलेट देना, वो मैलेट वाला है, इसका वेरिएशन कम करूंगा, यहाँ से हिट करूंगा, सुई पीछे जा रही है, पीछे जाने से क्या हो रहा है, वो इधर से उधर सरक रही है, इसके अलाइन में आ जाएगी। फिर चेक करता हूँ एक बार, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, इधर जीरो करा और उधर वेरिएशन आ रहा था उस कॉर्नर पे हमारे एक्स एक्सिस में, तो अब वही हमने क्या करा, फिर इधर से हिट करके उसको अलाइन करा, मतलब जितना वो आगे को सरका हुआ था डायल, जितना डायल वो वाइस आगे को सरकी हुई थी, यहाँ से हिट करके हमने उसको पीछे करा और उसको एक एक्सिस में ले आया, उस फेस को टेपर खत्म कर दिया उसका। देखो यहाँ चेक करेंगे फिर से, यहाँ 0.2 का प्रेशर दिया, यहाँ एक्स में ट्रैवल करी, देखो पूरी उधर से इधर तक हमारी क्या आ रही है, जीरो। अगर मैं यहाँ पे 0.1 का ही प्रेशर देता हूँ, 0.2 का प्रेशर नहीं देता, सपोज ये मैंने 0.1 का प्रेशर दिया और इधर ले जाके ट्रैवल कर रहा हूँ, तो क्या वही रहेगा 0.1 का ही, क्योंकि ये दोनों एक्सिस सेम है। अगर मैं इधर इसको प्रेशर देता हूँ 0.3 का, जीरो से भी आगे चला जाता हूँ, ये यहाँ पर रख दिया इसको प्लस की साइड, और फिर इधर ट्रैवल करा के लाता हूँ, तो यही वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये हमारी एक एक्सिस में लाई कर गई, मतलब जो फेस है वो सीधा हो गया, उसमें टेपर जो मैंने वाइस, वैसे तो वो सीधा ही है फेस, टेपर नहीं है, सारे फेस वाइस के 90 डिग्री आपस में। अब वो जो फेस हमने रखा था वाइस को, वो वाइस एक सीधी रखी या नहीं रखी, टेढ़ी तो नहीं रखी, वो चेक हो गया इससे, हमारा अलाइनमेंट में आ गई। चाहे मैं और प्रेशर दे देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, यही वैल्यू रहेगी। अब क्या करेंगे हम, स्पिनर की हेल्प से, जो पाना बोलते हैं जिसको देसी भाषा में, इससे ये हमारे नट्स को टाइट कर देंगे यही एज इट इज। इसको टाइट नहीं करेंगे तो हमारा वर्कपीस जब कटिंग करेगा तो वो सारा खुल के बाहर आ जाएगा। इसको आप फुल टाइट कर दोगे, इसको बोलते हैं वाइस डायलिंग। अब वाइस कर रहे हो जिसमें भी ऐसा सीधा फेस आ रहा है, जिसमें भी इस वाइस में सीधा फेस आ रहा है, चाहे मैं ये राइट एंगल ये वाली प्लेट लगा लूं अपनी, ये राइट एंगल प्लेट लगा दूं इस पे, तो इसको फेस को सीधा कर देंगे, इस फेस को सीधा कर देंगे, ये सीधी हो गई। यहाँ पे कोई भी जॉब को सी क्लैंप की हेल्प से हम पकड़ के उस पे वर्किंग कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं अगर ये वाला वर्कपीस रखता हूं, अगर ये वर्कपीस डायरेक्ट रखता हूं, अभी तो मैं इसको वाइस में पकड़ लूंगा, वाइस में नहीं पकड़ना, अगर मैं इसको सीधा रखता हूं तो इसके फेस को सीधा करेंगे फिर, ताकि ये जॉब हमारी ऐसे टेपर में ना रहे, वो सीधी रहे अपने 90 डिग्री में, क्लियर है। ओके okay.